नमस्कार दोस्तों, क्यूरियस वेल्थ में फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मैं क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो आईपीओ आने वाला है उसका रिव्यू करके आपको बताऊंगा कि इस आईपीओ में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको लिस्टिंग के हिसाब से कितना बेनिफिट या कितना गेन मिल सकता है, क्या ये आईपीओ आपको लिस्टिंग गेन देगा या नहीं देगा। साथ ही साथ अगर इस आईपीओ को या इस कंपनी को आप अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे तो आपको आगे चल के भविष्य में मुनाफा होगा या नहीं होगा उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ जो बेल का आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि स्टॉक मार्केट से जुड़ी जो भी वीडियोस मैं अपलोड करता हूं वो आपको सही समय पर मिलते रहे। जैसा कि मैंने बताया कि दो आईपीओ करंटली मार्केट में आए हैं, क्लीन साइंस आईपीओ है, जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, इन दोनों का ही कंपैरिजन करके मैंने अपने इस चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो देखना है कि कौन से आईपीओ में अप्लाई करने से आपको लिस्टिंग गेन ज्यादा होगा तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक आपके वीडियो के टॉप राइट कॉर्नर में जो आई का सिंबल है वहां पे भी मिल जाएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं इस वीडियो का लिंक दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आईपीओ की टाइमलाइन के साथ शुरू करता हूं। तो ये जो आईपीओ है ये 7 जुलाई से ओपन होने वाला है। आईपीओ में अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो 9 जुलाई की सेट की गई है। अलॉटमेंट के बारे में आपको जो जानकारी है वो 14 जुलाई तक आपको उसके बारे में पता चल जाएगा। अगर इन केस आपको आईपीओ का अलॉटमेंट नहीं होता है, आपका रिफंड 15 जुलाई तक इनिशिएशन हो जाएगा। लिस्टिंग इस आईपीओ के एक्सचेंज के अंदर 19 जुलाई से होगी। अगर बेसिक डिटेल्स के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये जो आईपीओ का इशू साइज है ये लगभग 1,550 करोड़ रुपए का इशू साइज है। आईपीओ की फेस वैल्यू 1 रुपए प्रति इक्विटी शेयर की सेट की गई है। प्राइस बैंड 880 से लेके 900 रुपए का सेट किया गया है। आईपीओ का जो लॉट साइज है वो 16 शेयर्स का एक लॉट रहेगा, यानी अगर आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 14,400 रुपए ब्लॉक करने होंगे। चलिए अब कंपनी के बारे में देख लेते हैं, उनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को देख लेते हैं कि आखिरकार कंपनी क्या काम करती है। तो कंपनी के हम बेसिक डिटेल्स हम देखेंगे, कंपनी के बारे में जानकारी लेंगे। कंपनी जो है 2003 से इसने काम करना शुरू किया था। ये एक तरीके की सबसे लीडिंग केमिकल मैन्युफैक्चरर कंपनी है। अगर मैं ग्लोबल लेवल पे भी आपको बताऊं, आप इसके प्रोडक्ट्स भी देख सकते हैं। ये बेसिकली मैन्युफैक्चर करते हैं फंक्शनली क्रिटिकल स्पेशलिटी केमिकल्स सच एज परफॉर्मेंस केमिकल्स या फिर फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स या फिर FMCG केमिकल्स। इनके जो प्रोडक्ट हैं अगर आप उनको देखेंगे उनका साइज आपको यहाँ पे पता चल रहा है और साथ ही साथ स्पेसिफिक प्रोडक्ट, ये लार्जेस्ट इन वर्ल्ड है, लार्जेस्ट इन इंडिया, लार्जेस्ट इन वर्ल्ड, लार्जेस्ट इन इंडिया। आप देख सकते हैं इनके जो मेजर प्रोडक्ट्स हैं, टोटल इनके 7 जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें से 5 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें ये ग्लोबली नंबर 1 है और इंडिया में भी नंबर 1 है। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि कंपनी कितनी अच्छी है। ये जो कंपनी है अपने जो स्पेशलिटी केमिकल्स हैं उनके पास बहुत ही ज्यादा वैरायटी या वाइड रेंज करंटली अवेलेबल है जिसका एप्लीकेशन ये लोग कर सकते हैं बहुत ही डाइवर्स कस्टमर्स के लिए, यानी कि अक्रॉस द इंडस्ट्रीज अलग अलग कस्टमर्स को जिस तरीके का केमिकल्स की रिक्वायरमेंट है ये अपने प्रोडक्ट्स उनको सप्लाई कर सकते हैं। तो इनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो भी अच्छा डाइवर्सिफाइड है। अब अगर इनके हम कस्टमर्स की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो कंपनी है काफी अच्छी बड़ी है, ग्लोबल लेवल पे इसका प्रेजेंस काफी अच्छा है। तो ये जो अपने प्रोडक्ट हैं उनको मैन्युफैक्चर करती है एंड डिस्ट्रीब्यूट करती है इंडिया के अंदर, साथ ही साथ इंटरनेशनल मार्केट में भी ये अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करते हैं जिसके अंदर चाइना, यूरोप, यूएसए, ताइवान, कोरिया और जापान जैसी बड़ी कंट्रीज के नाम भी आते हैं। अगर कस्टमर्स की बात करें तो बयास एजी, एसआरएफ लिमिटेड, जेनेक्स लेबोरेटरीज, न्यूट्राइड्स इंटरनेशनल एनवी एंड विनती ऑर्गेनिक्स, ये कुछ एक इनके कस्टमर्स हैं जिनको ये अपना प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। अब अगर हम इनके एक्सपेंशन प्लान की बात करें तो करंटली कंपनी के पास 2 सर्टिफाइड प्रोडक्शन फैसिलिटी हैं इंडिया के अंदर जो कि बहुत ही अच्छे से प्लान करके लगाई गई हैं। कुरुकुंभ जो कि महाराष्ट्र में आता है जो कि बहुत ही ज्यादा नजदीक है JNPT पोर्ट से, जिससे इनको हेल्प भी मिलती है, ये जो अपने प्रोडक्ट हैं उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। करंटली ये प्रोसेस में है अपनी तीसरी फैसिलिटी को लगाने के जो कि करंटली 2 फैसिलिटी के एकदम पास में है। इसके साथ ही साथ ये अभी डिस्कशन में है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ
जहां पे ये लैंड एक्वायर करेंगे और अपनी जो फोर्थ फैसिलिटी है उसको लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी का एक्सपेंशन प्लान भी काफी अच्छा बना हुआ है, जो कि इस कंपनी को फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ दिखा सकता है। अब अगर हम इनके रेवेन्यू परसेंटेज की बात करें तो आप देख सकते हैं इनका जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू है वो आउटसाइड यानी कि इंटरनेशनल मार्केट से आता है। 69-70% का इनका रेवेन्यू जो जनरेट होता है वो आउटसाइड इंडिया से होता है। लगभग 30-31% का जो रेवेन्यू है ये डोमेस्टिक या फिर इंडियन मार्केट से जनरेट करते हैं। अब अगर मैं इस कंपनी के पॉजिटिव्स की बात करूं जो कि इनके लिए फ्यूचर में अच्छी चीज हो सकती है, जैसा हमने शुरू में ही देखा कि कंपनी कुछ ऐसे केमिकल्स बनाती है जिसके अंदर ये ग्लोबल लेवल पे लीडिंग है, यानी कि ग्लोबल लेवल पे सबसे आगे हैं, वो इनके लिए एक अच्छी चीज है। इनके जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो काफी नजदीक है JNPT पोर्ट से, जो कि इनके प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए लगता है, यानी कि इनका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो काफी अच्छा प्लान्ड है, वो इनके लिए एक अच्छी चीज है। इनके लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जो इनके कस्टमर्स के साथ है वो बहुत ही मजबूत है और वो भी इनके लिए बहुत अच्छी चीज है। अगर इनका फाइनेंशियल रिकॉर्ड हम देखेंगे तो आगे चल के उसमें भी हमको पता चलेगा कि इनका जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो भी काफी अच्छा है। इंटरनेशनल प्रेजेंस के लिए जैसा मैंने आपको पहले बताया कि आउटसाइड इंडिया ये चाइना, यूएसए, कोरिया, ताइवान और जापान जैसी कंट्री को भी अपने प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, तो ये कुछ एक पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जो इस कंपनी के लिए अच्छे हो सकते हैं। चलिए अब ऑब्जेक्टिव को देखते हैं कि आखिरकार कंपनी का आईपीओ लाने का मोटो क्या है। तो ऑफर फॉर सेल के अंदर इनका 100% जो आईपीओ आया है वो ऑफर फॉर सेल के अंदर है, यानी कि 1546 करोड़ रुपए जो है ऑफर फॉर सेल के लिए हैं। इनके करंट प्रमोटर्स या फिर जो करंट इन्वेस्टर्स हैं वो अपना जो पार्टनरशिप है उसको बेच के निकलना चाहते हैं या फिर अपना जो शेयर है उसका बेनिफिट ये लोग लेना चाहते हैं। और फ्रेश इशू के अंदर इनका कोई भी अमाउंट नहीं है, ये लोग आईपीओ सिर्फ लिस्टिंग का बेनिफिट लेने के लिए लेके आए हैं। आईपीओ के थ्रू जो भी अमाउंट आएगा उसका बिजनेस एक्सपेंशन के लिए या कुछ फ्यूचर ग्रोथ के लिए कंपनी उस पैसे का इस्तेमाल नहीं करे। चलिए अब इस कंपनी का फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं कि कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। तो उसके लिए मैं आपके सामने पिछले 3 साल का फाइनेंशियल डेटा लेके आया हूं। आप देख सकते हैं टोटल एसेट जो है इनका 2019 के कंपैरिजन में 2021 में ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। टोटल रेवेन्यू आप देखेंगे तो उसमें भी अच्छा ग्रोथ हमको देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर देखेंगे तो वो भी आपको पता चलेगा कि वो भी डबल हो चुका है। तो फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से कंपनी जो है अच्छा ग्रो कर रही है। अभी इसी फाइनेंशियल्स के ऊपर अगर हम इस कंपनी के वैल्यूएशंस को देखें तो कंपनी का जो ईपीएस है यानी कि अर्निंग पर शेयर है वो 18.68 रुपए का निकल के आता है। उसी हिसाब से अगर हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें तो 48.17 की निकल के आती है। वहीं अगर हम रिटर्न ऑन नेट वर्थ देखते हैं तो लगभग 36.7% की निकल के आती है। इसी वैल्यूएशंस के हिसाब से अगर हम इस कंपनी को इसके पेयर कॉम्पिटिटर के साथ कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं विनयती ऑर्गेनिक्स, फाइन ऑर्गेनिक्स, अतुल लिमिटेड और कैमलिन फाइन साइंस, ये कुछ एक इसके लिस्टेड पीयर कॉम्पिटिटर्स हैं। ईपीएस के फ्रंट पे देखेंगे तो इस कंपनी का सबसे कम अर्निंग पर शेयर दिखाई दे रहा है। पी रेशो यानी कि प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से देखेंगे तो ये इनलाइन और अपर बैंड में कोट कर रही है। रिटर्न ऑन नेट वर्थ देखेंगे तो इस कंपनी का सबसे अच्छा रिटर्न ऑन नेट वर्थ निकल के आ रहा है। इस कंपैरिजन से आपको एक चीज और पता चल सकती है, अगर आपने कॉम्पिटिटर्स के स्टॉक को देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि इन सभी स्टॉक्स में बहुत ही अच्छा मोमेंटम आया है। तो उस हिसाब से क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये एक अच्छी कंपनी बन जाती है, अगर आप पोर्टफोलियो में भी रख सकते हैं। अगर किसी के मन में ये है कि लिस्टिंग गेन के हिसाब से या फिर किसी को अगर लिस्टिंग के टाइम पे आईपीओ नहीं मिलता है और दोबारा खरीदना चाहता है पोर्टफोलियो के अंदर, तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं। सही मौका मिलने पे आप इसके अंदर एंट्री कर सकते हैं। अब हम आते हैं मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन के ऊपर कि आखिरकार इस आईपीओ में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको लिस्टिंग गेन कितना हो सकता है। करंटली मॉर्निंग के हिसाब से इस आईपीओ का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है या फिर जीएमपी है वो कोट कर रहा है 430 से लेके 445 रुपए के आसपास। ये वैल्यू जो है अगर मार्केट हमारा बुलिश होगा तो ये 480 या 500 रुपए के आसपास भी जा सकती है, बट करंट के लेवल्स के हिसाब से 430 इंटू 16 शेयर्स के हिसाब से
आपको लिस्टिंग डे के अंदर 6,880 रुपए का गेन होने की पॉसिबिलिटी यहां नजर आ रही है। तो ये आईपीओ आप लिस्टिंग गेन के हिसाब से अप्लाई जरूर कर सकते हैं, बट जैसा मैंने पहले भी बताया कि ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो मार्केट की कंडीशन के हिसाब से या किसी भी न्यूज फ्लो के हिसाब से ऊपर या नीचे होता रहता है। तो आप इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्राइस के ऊपर जरूर नजर रखिएगा जब कभी आप इस आईपीओ में अप्लाई करने जा रहे होंगे। और अगर आपको लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्राइस पता करना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर किए हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे आपको इसका लेटेस्ट अपडेट मैं शेयर कर दूंगा।